welcome back to my channel. Today's video is another exciting one and I can't wait to share it with you. We are diving into something special. आज का मेकअप है, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड मेकअप एंड उनके एलिगेंस एंड नेचुरल ग्लो को कैप्चर करने की कोशिश करूंगी. सो जॉइन मी इन दिस आलिया भट्ट to inspired makeup look. So let's get start the video. तो मैं सबसे पहले एक गुड वाइब्स का लिप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स का ये फेस सीरम. आप चाहो तो कोई भी फेस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे सीरम यूज किया है. देन मैं सीरम से अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूंगी ताकि मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो सके. सो मैंने यहाँ पे कर लिया अपना फेस मॉइस्चराइजर कंप्लीट. सो अब नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन. आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे जस्ट हर्ब्स का फाउंडेशन यूज किया है एंड मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी. तो अब मैं करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड. मैं अपने पूरे फेस पे जो मैंने फाउंडेशन लगाया है मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप दिखेगा. एंड गाइस मुझे आलिया भट्ट का ये वाला लुक ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था. एक तो उन्होंने बहुत ही कम मेकअप किया है एंड लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रखा है. सो मुझे ये मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ ये वाला लुक शेयर करूँ. सो मैं आज फाइनली ये वाला मेकअप कर रही हूँ. सो देखते हैं कैसा मेकअप होता है. मैंने कर लिया अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड. सो नेक्स्ट स्टेप मैं लूंगी है कंसीलर. आपको डार्क सर्कल्स या ब्लेमिशेस ज्यादा है तो आप कंसीलर का यूज कर सकते हो. सो मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. एंड आपको जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिंपल्स मार्क्स हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ये अच्छे से आपके डार्क स्पॉट्स एंड पिंपल मार्क्स को अच्छे से हाइड करने में हेल्प करेगा. सो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. सो नेक्स्ट स्टेप मैं लूंगी ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो इस पाउडर को मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि मेरा जो बेस है वो अच्छे से सेट हो सके. सो मैं अप्लाई कर लेती हूँ.
सो अब मैं पाउडर को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। आलिया भट्ट का जो आई मेकअप है वो ब्राउन शेड में है, आप सब पिक्चर में देख सकते हो। सो मैं यही वाला आई मेकअप करूंगी। इन्होंने कोई आईलाइनर कोई काजल नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ आई शेडो का ही यूज किया है। सो मैं फटाफट से आई मेकअप करती हूँ। सो मैंने ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, ब्राउन कलर। सो लोअर लैशेस पे भी मैं ब्राउन शेड अप्लाई कर लेती हूँ। सो ये हो गया मेरा आई लुक कंप्लीट। मैं अपने आई लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा। इस लुक में आलिया भट्ट ने कोई भी फेक आई लैशेस का यूज नहीं किया है, उन्होंने बस मस्कारा का ही यूज किया है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये पिंकी पिंकी सा ब्लश। सो नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर। आलिया ने अपने नोजी पे एंड अपने फोरहेड पे हाइलाइटर का यूज़ किया है। सो मैं अपने नोजी पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। नेक्स्ट अप्लाई करूंगी मैं लिपस्टिक। आलिया ने कोई भी क्रीमी या फिर ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं रखा है, उन्होंने सिर्फ उन्होंने मैट लिपस्टिक अप्लाई किया है। सो मैंने लिया यहाँ पे रेड मैट लिपस्टिक एंड मैं अप्लाई कर लेती हूँ। बता दूं मैंने ये साड़ी फ्लिपकार्ट से परचेस किया है एंड मैंने ये ज्वेलरी ये नेकलेस मैंने मीशो से परचेस किया है। सो कैसा लगा है ये लुक? सो मैंने ये लुक क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। सो आप बताना कैसा लगा है मेरा ये वाला लुक। अगर आप सबको अच्छा लगा होगा ये लुक तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।